हेलो बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम कल ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है या ये पॉजिटिव क्यों होती है ना? बिकॉज आयनाइजेशन का मतलब हुआ टू टेक एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एन एटम, यूजुअली एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से या न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकालना हो तो हमें इन एनी केस एनर्जी देनी पड़ेगी। गॉट इट? तो दैट्स व्हाट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज। ठीक, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कल हम देख चुके हैं। साइज पे डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, और कौन से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, है ना, किस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। गॉट इट? और कल हम उसे कुछ ट्रेंड्स देखे थे, ठीक है, उसी पे कुछ एक सवाल करते हैं, कुछ और ट्रेंड्स देखते हैं और कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। गॉट इट? तो लेट्स से हमारे पास क्रोमियम है, ठीक है, तो क्रोमियम है और मैंगनीज है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, ठीक, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि ये क्रोमियम हुआ, है ना, क्रोमियम से क्रोमियम प्लस में जाएगा, है ना। तो पहले इसका हम 3d5 4s1 लिख, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 3d5 होगा इसका और 4s2। भाई देखो ऐसा है, ये तुमको अब तक याद हो जाने चाहिए, ठीक है, अब तक तुमको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद हो जाने चाहिए, ठीक है। इसी ये हो गया। अच्छा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो तुम ध्यान से देखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये कम्प्लीटली फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। तो इससे निकालना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो IE1 की अगर मैं बात करूँ तो वो ग्रेटर, सॉरी इसका ग्रेटर नहीं, इसका ग्रेटर होगा इससे, ठीक है। तो IE1 ऑफ MN विल बी ग्रेटर देन IE1 ऑफ क्रोमियम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Cr+। IE2 की बात कर रहे हैं अब हम, Cr+ और MN+ की बात करते हैं। तो Cr+ MN+ में Cr+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, 3d5 है, 4s1 तो निकल चुका, अब यहाँ पे क्या है, 3d5 4s1। अब ये हाफ फील्ड है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट IE2 ऑफ दिस इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ दिस। तो Cr का जो IE2 होगा वो MN के IE2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि भाई कोई एक एलिमेंट है M, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके अबाउट जो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज़ इक्वल टू IE1 कहलाएगी, ये तो IE1 हुई ना, दिस इज़ 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इसलिए मैं इसकी यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, 400 किलो जूल पर मोल है। मान लो नेक्स्ट स्टेप है M+ से M2+ में कन्वर्ट होने वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाती है, IE2। इसको ये दी है हमें 700 किलो जूल पर मोल। अब तुम्हें ध्यान से देखा होगा, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। और तीसरा क्या है, M2+ से M3+ में कन्वर्ट होना, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। IE3 ये कितना दिया है, 1600। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 400 किलो जूल दे रहे हैं एनर्जी, ठीक है। अगर 400 किलो जूल को तुम 96 से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो इट कम्स रफली अराउंड 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है पर एटम। तो बहुत कम है। यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो 96 के हिसाब से 7.1 के आसपास, 7.2 के आसपास आएगी है, 7.4 के आसपास आएगी। तो अगर तुम देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी कम है, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि ये दोनों का, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना, एक 400 और एक 700 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ से यहाँ देखो तो यहाँ पर डबल से ज़्यादा का जंप है। तो ये जो जंप है ये कुछ इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि भाई जब इतना बड़ा जंप हो तो हमेशा ये समझो कि
आउटर शेल ख़त्म हो चुका है, अब नया शेल शुरू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें एंथ शेल था और इसमें भी एंथ शेल था, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एंथ शेल में थे, तो जो अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एन माइनस वंथ शेल से निकलेगा। तुम किसी एक फुली फिल्ड, कम्प्लीटली फिल्ड शेल को डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल के डिस्टर्ब कर रहे हो ना, तुम एक फुली फिल्ड शेल को डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है। गॉट दिस? तो यहाँ पर अगर तुम इलेक्ट्रॉन ये देखोगे तो एनर्जी काफ़ी कम है, यहाँ पर एकदम जंप है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफ़ी यहाँ पे तुम्हारा शेल चेंज हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये पेनल्टीमेट, ये क्या है, आउटर मोस्ट, और ये पेनल्टीमेट शेल है। पेनल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन क्या है, इस ये जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्वेश्चन उसने पूछा है कि अगर ये IE1 इतना है, IE2 इतना है, IE3 इतना है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, देखो भाई यहाँ पर हमने देखा कि nth शेल में दो इलेक्ट्रॉन थे, और वो वाला जो इलेक्ट्रॉन निकला वो n माइनस वन शेल में से निकला है। इसका मतलब nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, दो, और nth शेल का मतलब वो आउटर मोस्ट शेल, nth शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ही हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर वो कहता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो दो आंसर है, ठीक है, टू इज द आंसर। और अगर वो कहता है कि भाई इस कौन से ग्रुप में था, तो भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तुम्हारा शेल खत्म हो गया, तो इसका मतलब इस शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन थे, और किसी भी शेल में अगर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन हो तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रुप टू में था। क्लियर होगी बात? तो इसमें लिखो, इसके नीचे ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन लिख लेना क्वेश्चन करके, और इसके नीचे क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट एंड द ग्रुप इन टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स, द ग्रुप टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें लिख दो, व्हेन देयर इज अ ह्यूज जंप, लिखो इसमें, व्हेन देयर इज अ ह्यूज जंप, when there is a huge jump in the ionization enthalpy in two successive ionization enthalpies, huge jump के bracket में लिख सकते हो more than twice, ये more than twice है ना, 1400 से ज़्यादा है, more than twice, ठीक है, that means that the number of shells is changing, that the number of shells is changing, तो यहाँ से एन से एन एन माइनस वंथ पे आ रहा है, ठीक है जी, क्लियर होगी बात, ठीक है, ओके। नाउ मतलब अगर तुम इसको देखना चाहते हो तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 4s2 यहाँ पे था, तो यहाँ पे 4s1 आ गया, अब 4s1 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उससे निकालोगे फिर अब 3p6 मतलब थर्ड शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, उससे निकालोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट का आंसर जी, क्योंकि देखो भाई शेल उसने क्या बोल दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने पड़ेंगे, ये लिखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज टू, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज टू, एंड द ग्रुप टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स, एंड द ग्रुप टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स, ग्रुप टू विच द एलिमेंट बिलोंग्स इज ग्रुप टू, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का एक्सटेंशन है। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एच है वो मुझे बताओ, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा एच है वो मुझे बताओ, तो क्या इसी प्रोसेस को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ, है ना, इसी को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ, कैसे, एक हिस्सा तो यहां ऊपर लिखा ही है, ये जो पुरानी इक्वेशन जो दी गई थी वो मैं बोल रहा लिख रहा हूं दोबारा से, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, एक तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, m प्लस गिव्स m टू प्लस, भाई हम इस तरीके से दो स्टेप वाइज तो लिख ही सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते, है ना।
तो इस तरीके से हो रहा होगा। अगर हम इसमें देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो IE1 है, IE1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो IE2 है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा IE निकलेगा, ठीक है, तो तुम्हारा IE निकलेगा। तो IE1 IE2 जब इन दोनों को ऐड किया तब ये आया, है ना भाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो M+M+ कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो तभी आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी दो रिएक्शंस को ऐड करके तीसरी रिएक्शन आ जाए, जब कभी भी दो रिएक्शंस को ऐड करके तीसरी रिएक्शन आ जाए तो क्या होगा, उस इसका जो डेल्टा एच होगा, मतलब इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होगा वो इन दोनों के अबाउट के जो एनर्जी चेंज है उसके इक्वल होगा। तो टोटल एनर्जी चेंज फॉर दिस, जिसको हम डेल्टा एच लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी चेंज फॉर दिस विल बी इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी चेंज फॉर दिस एंड सम ऑफ एनर्जी चेंज फॉर दिस। तो IE1 प्लस IE2, क्लियर इनफ, सिंपल है, कूल। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसको हम कहते हैं हेसेस लॉ, ठीक है, हेसेस लॉ, जो कि हम पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। तो अभी तक तुमने थर्मोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, अभी के लिए बस इतना जान लो, अगर तुम किसी दो इक्वेशन को ऐड करोगे और तीसरी इक्वेशन उससे आ रही है, तीसरी रिएक्शन उससे आ रही है, तो तुम इन दोनों की एनर्जीज का भी एडिशन कर सकते हो और फाइनल जो इसके अबाउट एनर्जी चेंज है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी लिख सकते हो दैट एनर्जी चेंज डेल्टा एच जो है दिस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था तुमको, ठीक है, एडिटिव होता है ये एनर्जी एडिटिव होती है, ठीक है, फॉर द टाइमिंग इतना जानो, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मान लो यही चीज़ को मैं उल्टा लिख के दे दूँ, अगर मैं कहूँ कि इसका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, रिवर्स प्रोसेस मतलब ये हो रहा है, अब इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होगा क्या होगा, तो जब कभी भी रिएक्शन को तुम एग्जैक्टली इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, तो उसका जो डेल्टा एच होता है एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच आएगा, जैसे यहाँ पर अगर इस IE1 IE2 की बात करें, ये कितना था IE1 यहाँ पे 450 और ये कितना था 700, तो टोटल कितना आ गया ये 1150, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस के जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मतलब ये इधर डायरेक्शन में है तो ये वाला प्रोसेस इधर डायरेक्शन में है ना, तो इसके लिए जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी -1150, मतलब ये एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, ये एनर्जी रिलीज होगी। भाई डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एनर्जी दी गई थी, इसने एब्जॉर्ब करी थी इस प्रोसेस के लिए, अगर ये प्रोसेस होगा उल्टा प्रोसेस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ, गॉट इट, लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस, इनफैक्ट इसमें तो 4-5 क्वेश्चंस हम अच्छे से कर ही सकते हैं। फर्स्ट इज Fe2+, Fe3+, Fe, सेकेंड इज Mn2+, Mn, Mn4+, Mn7+, Mn6+, थर्ड इज N- N, N3-, फोर्थ इज O2- O, O-, फिफ्थ इज SC, इट्रियम एंड लैंथनम, ठीक है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन इज अरेंज दीज एटम्स एंड आयन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर IE। IE का मतलब क्या हुआ, इससे अगर मैं Fe+ बनाऊँ, है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी क्या होगी, इससे Fe2 से Fe3 बनाऊँगा, इस Fe3 से Fe4 बनाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूछ रहा है कि हर एक के लिए आयनाइजेशन एन्थैल्पी कितनी होगी। तो यहाँ पे मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, एक इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ये कहाँ थे, हाँ यहाँ, एक सेकेंड रुको यार,
ठीक है जी, क्या बोल रहा था मैं, हाँ इसमें हम बिल्कुल ऐसे नहीं जाएंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो सब नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, हमने देखा था कि जेड इफेक्टिव जब किसी भी कटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जब किसी भी कटायन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और उसका साइज छोटा हो जाता है। तो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ई होता है, जेड ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ई होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस सब में सबसे छोटा साइज इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, है ना। तो इसलिए आई ई सबसे कम किसका होगा, एफ ई का, एफ ई का सबसे कम होगा, फिर एफ ई टू प्लस का होगा और फिर एफ ई थ्री प्लस का होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो फॉर कटायंस, या यहाँ पे भी इनफैक्ट मैं पहले लिख लूँ फिर मैं तुमको इसका लिखवा दूंगा, देखो इसमें भी एग्जैक्टली होगा, जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, उसका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर Mn की सबसे कम होगी, Mn की सबसे कम होगी Mn टू प्लस की, उसके बाद होगी Mn फोर प्लस की, उसके बाद होगी Mn सिक्स प्लस की, उसके बाद होगी और Mn सेवन प्लस की, उसके बाद गॉट इट, ठीक है। तो अगर तुम कैटायंस का लिखना चाहते हो तो फॉर कैट लिख लो, फॉर कैटायंस आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट, लिख हायर द पॉजिटिव चार्ज, फॉर कैटायंस लिखो हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर द आई ई, हायर द पॉजिटिव चार्ज हायर द आई ई, ठीक है, क्लियर होगी बात, ऐसे लिख लो। अच्छा अब बात करते हैं इनकी, इसमें अगर तुम आयंस की बात करो, ये आयंस दोनों तीनों, जैसे जैसे तुम नेगेटिव आयन में, मतलब नेगेटिव आयन में या एनायन में चार्ज बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो साइज़ बड़ा होने का मतलब क्या है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका आई ई उतना ही कम होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो O है, यहाँ O2 माइनस O माइनस O, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो अनायंस के लिए हायर चार्ज मीन्स हायर द नेगेटिव चार्ज, बेसिकली तुम हायर द नेगेटिव चार्ज करके लिखना, दैट मीन्स लोअर द आई ई, ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही लोअर होगा। तो इन जनरल अगर मैं लिखना चाहूँ कटायंस और अनायंस के रिस्पेक्ट में, तो आई ई ऑफ अनायंस is less than IE of atoms, is less than IE of cations, ठीक है। अच्छा इसको करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, वो ये है कि अगर तुम इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, n माइनस n और n थ्री प्लस थ्री माइनस, इसका कितना होगा 2p4, इसका 2p3 और इसका 2p6। अच्छा कौन सा सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो ये सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको डिस्टर्ब करना उतना ही मुश्किल होना चाहिए और उतना ही इसकी आई ई ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई ई इस हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो आई ई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम कहाँ किसकी बता रहे हैं, हम एन की ज़्यादा बता रहे हैं, इसकी सबसे कम बता रही है। तो उल्टा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी एक ही एलिमेंट होगा, अगर एक ही एलिमेंट होगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ये चार्जेस या आयंस की बात कर रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो लिख लो इसमें, व्हेन सेम एलिमेंट इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ आई ई, इज बीइंग कंसिडर्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ आई ई, is being considered for the comparison of IE, electronic configuration bracket में लिखना half filled and fully filled, bracket में half filled and fully filled is not considered, electronic configuration consider नहीं होगी, ना इसमें हुई ना इसमें हुई, ठीक है, clear होगी बात। तो यहाँ तक तुमने लिख लिया, अब इस वाले की बात करते हैं, ये scandium, इट्रियम एंड लैंथनम। अगर तुम इसमें देखो तो यहाँ पे कोई लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन या कुछ ऐसा है नहीं, इसमें यहाँ से यहाँ साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ फिर साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि साइज़ यहाँ बढ़ता चला गया तो इसकी आई कम होती चली जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एल ए वाई एस सी, तो मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला था ना, तो सब जगह मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लिखता आ रहा हूँ, ठीक है, मान लो। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ लेट से सी यू ए जी ए यू की,
ठीक है ना। तो सी यू ए जी ए यू, इसमें होना तो ये चाहिए कि भाई साइज़ यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करेगा, फिर यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ करेगा, तो आई यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ करेगी और यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ करेगी। तो इसकी सबसे कम होनी चाहिए, फिर इसकी। लेकिन क्या है, ए यू में लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इससे भी और इससे भी ज़्यादा इसकी आई ई आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर दिस ए जी लेस देन सी यू लेस देन ए यू, ठीक है। तो ये क्या जेनरेटेड ट्रेंड है, गॉट इट, ठीक है जी। कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इसमें। अच्छा, अब एक्सेप्शंस की एक क्वेश्चन और करें क्या, एक्सेप्शंस से पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, इनफैक्ट पहले इसको लिख लो फिर हम इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ये क्या क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर मान लो मैं तुम्हें दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स देता हूँ, या यूँ कह लो कि दो, मैं जैसे मान लो फॉर एग्जांपल है एम प्लस की बात करते हैं, एम से एम प्लस की बात करते हैं और एम से एम टू प्लस की बात करते हैं, सॉरी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेट्स से 520 है, ठीक है, और इसके बाद जो आई ई टू है ना, ये क्या है, ये आई ई वन है और ये क्या है, आई ई टू है, ये तुम्हारी आ रही है 7290, क्लियर है, 7290 है, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है मुझसे कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये एम प्लस जो है वो ज़्यादा स्टेबल आयन है या ये ज़्यादा स्टेबल आयन है, कौन सा इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट आसानी से बन जाए, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट आसानी से बन रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें अगर तुम देखो तो इसमें 520 किलो जूल एनर्जी लगी इसको बनाने में, लेकिन इसको बनाने के लिए 7290 किलो जूल पर मोल लगी है, विच इज़ ऑलमोस्ट 14 टाइम्स ऑफ दिस, इसके 14 टाइम्स है, ठीक है, बहुत बड़ी बात हो गई, 14 टाइम्स होना बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इसमें रूल क्या होता है, वो ये है, रूल है कि अगर आई ई टू और आई ई वन में जो डिफरेंस है वो 1450 किलो जूल से ज़्यादा है, उसके इक्वल या ज़्यादा है, तो तब तुम कहोगे कि एम प्लस वन, मतलब छोटी आयनाइजेशन, छोटा चार्ज वाला जो आयन है ना, छोटे चार्ज वाला जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का एनर्जी 1450 से कम है, मतलब डिफरेंस जो है इन दोनों का, आई ई टू माइनस आई ई वन, अगर 1450 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट या हायर चार्ज वाला जो आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इसमें लिखो स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आयन, स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आयन कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आई ई, कैन ऑल्सो बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आई ई, इफ करके लिखना और ये लिख लेना, इफ आई ई टू, क्योंकि देखो आई ई टू हमेशा इससे ज़्यादा होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है। तो अगर आई ई टू माइनस आई ई वन इज लेस देन 1450 किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, हायर चार्ज आयन इज मोर स्टेबल, ठीक है जी। यहाँ पर तुम्हें एक बात लिखने को बोल रहा हूँ, उसका मतलब अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझा दूंगा, लेकिन क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा ही नहीं तुम्हारे लिए भी क्लियर है तो मैं कैसे ही बताऊँ। हायर चार्ज आयन इज मोर स्टेबल, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि एम टू प्लस इज मोर स्टेबल देन एम वन प्लस, ठीक है जी। और अगर आई ई टू माइनस आई ई वन ग्रेटर देन 1450 है किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट या लोअर
चार्ज आयन जिसके पास लोअर चार्ज है इज मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक है, ये ध्यान रहेगा, आगे से ध्यान रखना भाई, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि M प्लस वन की जो होगी वो M टू प्लस से ज़्यादा होगी, ठीक है, गॉट इट। चलो जी, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट पीरियड एल्केली ये सब चीज़ हम देख चुके हैं, नियरली सेम रेडा। चलो जी, अब हम एक्सेप्शंस देखते हैं, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं तुम्हारे पास। पहला एक्सेप्शन तुम्हारा बोरॉन फैमिली में आता है। बोरॉन फैमिली में क्या होता है कि तुम्हारे पास है ना बैंगन, आलू, गाजर, इंठेला, ये होते हैं। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो गैलियम और थैलियम के केस में, गैलियम और थैलियम के केस में एक अलग अलग फोर्स, मतलब दो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं। पहले गैलियम के केस में क्या लगता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और जो थैलियम है उसके केस में क्या लगता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं, एक्सेप्शंस, उसमें सबसे पहले लिखना बोरॉन फैमिली, ठीक है। बोरॉन फैमिली में क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है, बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जाते हुए तुम्हारा साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब आई ई, अगर बिल्कुल जेनरिक उसमें देखें तो आई ई शुड डिक्रीज, है ना। तो इसको होना क्या चाहिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में टी एल आई एन गैलियम एल्यूमिनियम एंड बोरॉन, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या लग रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इनकी वजह से साइज में चेंज आएगा, अगर साइज में चेंज आएगा तो फिर आई ई में भी चेंज आएगा। तो ये अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, यहाँ पे तुम एनर्जी कर दो और यहाँ पे एलिमेंट कर दो या अटोमिक जेड कर दो, अटोमिक नंबर, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा इट विल बी समवॉट लाइक दिस, बोरॉन का हाईएस्ट, फिर लो आएगा एल्यूमिनियम, फिर गैलियम आएगा, फिर उसके बाद इंडियम और देन थैलियम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया तुम्हारा बोरॉन, ये एल्यूमिनियम, ये गैलियम और ये इंडियम और ये थैलियम। तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम और इंडियम तो वही फॉलो कर रहे हैं, या ये तीनों तो वही फॉलो कर रहे हैं जो फॉलो करना चाहिए उनको नॉर्मल, कि भाई इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, फिर इसकी और कम होगी। लेकिन यहाँ पे गैलियम पे क्योंकि साइज़ थोड़ा छोटा हो गया तो ये थोड़ा ऊपर चलेगी इसकी आई ई, और थैलियम में क्या होता है कि साइज़ थोड़ा और छोटा हो जाता है बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये और भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इसका एक्चुअल जो आएगा वो आएगा इंडियम इंडियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम लेस देन थैलियम लेस देन बोरॉन, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, बस। तो ये तुम्हारा ट्रेंड हो गया बोरॉन फैमिली का। अगर तुम कार्बन फैमिली में देखो, अच्छा ये ध्यान रखना, गैलियम में जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगा सिर्फ और सिर्फ गैलियम पे लगता है, आउटसाइड डी और डी ब्लॉक, ठीक है। कहे शिवजी सुनो पार्वती। तो इसमें अगर तुम देखो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा नहीं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ लगेगा, ठीक है, सॉरी लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ लगेगा, यहाँ पे एल सी है। तो मैं अब ये पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, हालाँकि इसमें भी एग्जैक्टली यही होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर ये थोड़ा छोटा हो जाएगा तो इसकी आयनाइजेशन एन्थैल्पी इससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक। तो यहाँ आएगा सी, यहीं समझ लो पी एस एन पी बी जी एस आई कार्बन, ठीक है। पहली चीज़ तो इस तरीके से आएगा ये। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जितनी भी वैल्यूज़ लिखी है मैंने, ये मैंने लॉजिक तो मैं दे रहा हूँ ऑब्जर्वेशन देखने के बाद। देखो यह ध्यान रखना,
केमिस्ट्री में लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ें याद ही नहीं होती, क्या क्या बकवास है, मतलब इतना सब कुछ करने पे भी, एक मिनट कितना हो गया, 30 मिनट्स हो गए, हाँ, इतना सब कुछ करने पे भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। तो यूँ समझो कि ऐसा नहीं है कि मैं आज बैठा हूँ और मैंने कोई थियरी बनाई कि भाई केमिस्ट्री में ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, और मैंने प्रिडिक्ट कर दिया सब चीज़ें ऐसी हो गई। होता क्या है कि पहले चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, फर्स्ट थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड, एंड देन उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारे पास एक कहने का इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमारे पास है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का मॉडल अगर हमारे पास है, उस मॉडल के हिसाब से हम ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी जो मैंने ये बताया है, इनका जो रीज़न मैंने बताया है, वो पहले मैंने क्या किया कि या मैंने या मेरे जैसे लोगों ने जो कि केमिस्ट रहे होंगे या जो साइंटिस्ट रहे होंगे, उन लोगों ने क्या किया कि इनके एक्चुअल वैल्यूज़ को पहले प्लॉट किया। जब एक्चुअल वैल्यूज़ को प्लॉट किया तो ऐसा आया, तो अब उन्होंने उनको लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ पर तो तुम्हारा क्या कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्स्टेंट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है और इस पे तुम्हारा लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है। सेम वे इसमें भी दिक्कत उन्होंने किया है ना। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि हमेशा बैकवर्ड जाते हैं हमारे पास, मतलब क्वेश्चन और तब आंसर नहीं होता, ये समझ लो आंसर हमारे पास ऑलरेडी है कि हमें पता है कि ये बिहेव ऐसे कर रहा है, लेकिन ये क्यों कर रहा है ऐसे बिहेव, वी आस्क दैट व्हाई, है ना। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, ये तुम्हारे एक्सेप्शंस हो गए इसमें। तो ये तुम्हारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। एप्लीकेशन क्या है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो भाई, तुम्हारा अगर IE छोटा है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर तुम्हारी कम है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर तुम्हारे पास कम है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन या इम्पोर्टेंस कुछ भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ IE, ठीक है। तो IE अगर हमें पता है या उसका ट्रेंड पता है, तो हम काफ़ी और चीज़ों का ट्रेंड पता कर सकते हैं। जैसे इन जनरल में बोल रहा हूँ, अगर IE लो है, अगर IE लो है, ठीक है, IE लो होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, या हम उसको दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि दैट एलिमेंट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन ईजिली, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या वो खुद आसानी से दे सकता है, यही तो बात हुई, दोनों को सेम ही कहा जा सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है कोई एलिमेंट, तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। और यही प्रॉपर्टी तुम्हारी मेटल्स की भी होती है, तो हम कह सकते हैं उसका मेटालिक नेचर जो है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बेसिक नेचर भी इसी पे डिपेंड करता है ना, मेटालिक क्या कहते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मेटालिक नेचर, ठीक है। और सॉरी, बेसिक नेचर की हमने बात कर ली। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, खुद जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। खुद जल्दी से ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या हुआ, उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है, OT। अच्छा, ऑक्सीडाइज जल्दी से हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा ऑक्सीडाइज होने का मतलब तो तुम्हें अभी तक बताया ही नहीं है, चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले ऑक्सीडाइज होने का मतलब समझ लो, ए ऐसे इलेक्ट्रॉन दे दिया ए ने, ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या कहेंगे, ए गॉट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है जी, आर वी क्लियर। ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हम कहेंगे ए ऑक्सीडाइज हो गया, आर वी क्लियर, ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, तो जब भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो वहाँ पे उस एलिमेंट या उस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अच्छा, अब मान लो दूसरा केस है, मान लो बी है, बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम क्या कहेंगे, दैट दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। इसको अगर याद करना है तो एक तरीका बता देता हूँ, देखो रिड्यूस होने का मतलब होता है कम होना ना, कम, तो यहाँ पे माइनस, और माइनस क्या करता है, चीज़ें कम करता है ना भाई, किसी चीज़ से कोई चीज़ माइनस कर दो तो वो चीज़ कम हो जाएगी ना, तो ये माइनस इसमें ऐड हो रहा है, मतलब माइनस लग रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव इस पर लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो इसका ये रिड्यूस होना चाहिए, जो भी ये है ये रिड्यूस होना चाहिए। तो बस इतना ध्यान रखो कि रिड्यूस होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन लेना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट बी इज गेटिंग, बी गॉट
रिड्यूस्ड, ठीक है जी। अच्छा, अभी इसी पूरे, मान लो ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, ए ने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, बी को। मान लो दोनों साथ में हो रहे, तो ए ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, बी को। अगर ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो हम कह सकते हैं ना कि ए ने बी को रिड्यूस किया है ना। हम ये कह सकते हैं ए रिड्यूस्ड बी, ये कह सकते हैं, हाँ है ना। तो इस केस में ये रिड्यूस कर सकता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, तो ए इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है जी, क्लियर हो गया। हमने एक एक पर्सपेक्टिव से ये बात कही। अब बी भी तो कह सकता है, बी कह सकता है तूने मुझे कहाँ दिया, मैंने तो तुझसे लिया इलेक्ट्रॉन, तो मैंने तुझसे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मैंने तुझे हेल्प किया किस में, ऑक्सीडाइज होने में, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि बी, देखो सेम प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे, अलग अलग तरीके से, ये चारों तरीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज यूज़ होगी और तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो ये तुम पहले ही सीख लो। तो बी क्या कर रहा है, बी ऑक्सीडाइज्ड, भाई बी ने हेल्प करी ना ए को ऑक्सीडाइज होने में, तो बी ऑक्सीडाइज्ड ए। या हम कह सकते हैं कि अगर बी ए को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है तो इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखना भाई, इतना तुम ये कर लो याद। अभी याद तो क्या मतलब, इसको अभी एज इट इज लिख लो, जब भी कभी भूलो तो एक बार देख लेना, रटने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आगे जब मैं रिडॉक्स पढ़ाऊंगा। गॉट इट, बेसिक है, बहुत बेसिक है, या हो सकता है तुमने पहले भी पढ़ा हो, गॉट इट। अच्छा ये हो गया, तो आई ई अगर कम होगी तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, उसकी रिड्यूसिंग एजेंट बनने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर होगी बात। तो ये कुछ सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आई ई पे डिपेंड करती हैं, तो हम उसे देखते हैं कैसे डिपेंड करती है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, फर्स्ट इज बेसिक नेचर, या तो बेसिक नेचर की बात करें या फिर मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की बात करें या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होने की बात करें या ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी होने की बात करें या फिर ऑक्साइड्स की बात करें, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करें या फिर सिक्स्थ नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करें, ठीक है, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें और कैटायंस, कैटायंस फॉर्म करने की बात करें, ठीक है, इनमें से किसी की भी बात करो, अगर तुम इन आठों में से किसी की भी बात करो तो तुम्हारा क्या कहता था मैं, हाँ, इन आठों में से किसी की भी बात करो, ये सारे के सारे आई ई पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ये ध्यान रखना है, ठीक है, आई ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ये बिल्कुल भूलना ही नहीं है चीज। तो आई ई जितना कम होगा ये सब नेचर उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है, बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा होगा, नेचर ऑफ ऑक्सीडाइज ऑक्साइड ज़्यादा होगा, नेचर ऑफ हाइड्राइड ज़्यादा होगा, या फिर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, या कैटाइन फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। आर वी क्लियर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये बेसिक लेवल पे, ठीक। अच्छा, अब मैं आगे की बात करता हूँ, लेट्स से कि हमारे पास ठीक है, अच्छा इसी को देख लेते हैं पहले कि लेफ़्ट टू राइट क्या होगा। अगर मान लो मैं लेफ़्ट से राइट बढ़ रहा हूँ, ये जेनेरिक है, हाँ, इसमें एक्सेप्शन नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ तो लेफ़्ट से राइट मतलब जेड इफेक्टिव क्या करता है भाई, इंक्रीज़ करता है, और साइज़ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। अगर साइज जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है, तो आई ई भी इंक्रीज़ करना चाहिए। अब क्योंकि आई ई इंक्रीज़ कर रहा है
तो यहाँ आई इंक्रीज करेगा तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिक्रीज होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं अबाव प्रॉपर्टीज डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीज होने का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर बेसिक नेचर घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, अगर बेसिक नेचर घट रहा है तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिक नेचर डिक्रीज कर रहा है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। अगर मेटालिक प्रॉपर्टी घट रही है, भाई मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है, मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगी तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना। तो इसी तरीके से तुम देख सकते हो, इसी तरीके से तुम देख सकते हो कि ये यहाँ बेसिसिटी कम हो जाएगी एसिडिटी बढ़ जाएगी, यहाँ बेसिसिटी कम हो जाएगी एसिडिटी बढ़ जाएगी, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा अगर ये आई ई जो है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँ, टॉप टू बॉटम की बात करूँ, तो टॉप टू बॉटम में हमेशा जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है और साइज इंक्रीज करता है। अगर साइज इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर रहा है, तो आई ई क्या करेगा, आई शुड डिक्रीज। ठीक है, आई ई शुड डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई ई डिक्रीज करने पे, आई ई डिक्रीज करने पे ये सारी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, तो बी एन बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, बाकी जितने भी कुछ लिखे हैं यहाँ पे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, नेचर ऑफ ऑक्साइड बेसिक होगा, ये नेचर ऑफ हाइड्राइड या हाइड्रोक्साइड बेसिक होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ, भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन को वो, भाई अगर हम इनफ एनर्जी वाली एक रेडिएशन उसके ऊपर डालेंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, तो एटम के अंदर से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, और अगर एटम से के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कुछ ना कुछ लेना देना इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ में है, तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो उतना ही आसान होता है एग्जिबिट करना, जिसकी आई ई जितनी कम होगी उसके लिए उतना ही आसान होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एग्जिबिट करना, और जिनकी आई ई बहुत कम होती है उसके लिए कैटायन फॉर्मेशन आसान होता है। ठीक है जी, ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कुछ है क्या, एक्सेप्शंस हम देख चुके हैं। अच्छा ठीक है, तो अच्छा इसमें कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो हम सभी कुछ देख चुके हैं। अच्छा अभी ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात करूँ इन जनरल, ठीक है, अगर ऑक्साइड की बात करूं तो ऑक्साइड देख रहे हो तुम कि नेचर ऑफ ऑक्साइड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड भी ऐसी होगा, यहाँ पर मैं अबव प्रॉपर्टी की जगह पे, अबव प्रॉपर्टी की जगह पे मैं ऑक्साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑक्साइड, ऑक्साइड जो है वो उसका बेसिक नेचर जो है लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी तो नहीं कहनी चाहिए, इतना देखो बस, बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और अगर टॉप टू बॉटम की बात करूं, ऊपर से नीचे वाले जो आ रहे हैं उनकी बात करूं, तो एक का बीएन जो होगा वो बढ़ेगा, एक का मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो घटेगी, सॉरी मेटालिक प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। ठीक है, गॉट इट, मेटालिक प्रॉपर्टी क्यों ही होगी, इसमें एएन लिख लेते हैं, एएन विल डिक्रीज। ठीक है, तो इस वाले के मैं एग्जांपल देखो, अगर तुम्हारा लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एल आई टू ओ है, बी ई ओ है, बी टू ओ थ्री है, सी ओ टू है, और एन टू ओ फाइव है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक यहाँ पर हमारा जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, तो आई ई बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आई ई बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बेसिक नेचर भी कम होता चला जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो बेसिक नेचर डिक्रीज करना चाहिए इस डायरेक्शन में, हालांकि बस यहाँ पे एक वो होता है कि ये इसमें इसकी आयनाइजेशन, बी की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो है वो अटक नहीं, मतलब पलट जाता है, इतना सा बस, ये दोनों एक दूसरे की पोजिशन ले लेंगे, बाकी तो वैसे ही रहेगा। गॉट इट, ठीक है। तो अच्छा अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं, तो टॉप टू बॉटम में क्या है, जैसे मान लो Na2O है और K2O है और CS2O है, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, तो ये वाला जो है Na2O ये ऊपर वाले
पीरियड्स में है, ये नीचे वाले पीरियड में है। तो जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे वैसे वैसे जेड इफेक्टिव कम होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, तो इसका बेसिक नेचर इस कम होगा इससे, और इसका बेसिक नेचर होगा इस कम इससे, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट होता है, गॉट इट। अब हम बात करेंगे आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है। आई होप आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग, सब चीज़ें हम बता दिए हैं तुमको। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी का एकदम ऑपोजिट प्रोसेस हो गया, ठीक है, एकदम ऑपोजिट प्रोसेस हो गया, गॉट इट। कैसा? आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाला जा रहा था किसी एटम से, ठीक है। यहाँ पर हम किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उल्टा प्रोसेस हो गया ना, एक जगह निकाल रहे हैं एक जगह दे रहे हैं, ठीक। तो जहाँ पर निकालते हैं उसे आयनाइजेशन कहते हैं, और जहाँ पर उसे दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन। और इसके अक्रॉस या इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पुराने समय में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से उसको बोलते थे, ठीक। लेकिन अब क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ईजीई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो हम उसी टर्म्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या। इसको क्या कहते हैं? ईजीई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग लाइक इलेक्ट्रॉन, द एटम इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एटम इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड, वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड टू द एटम, ठीक है। तो इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज होता है ना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन ई जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब किसी भी एटम की क्या एफिनिटी का मतलब समझते हो, अट्रैक्शन एक तरीके से भी समझो, किसका, जैसे बोलते हैं ना कि अ फादर हैज़ अ मोर लाइक हायर एफिनिटी टुवर्ड्स हर टुवर्ड्स हिज डॉटर एज कम्पेयर टू सन, इन जनरल ऐसी है, मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट इस तरीके से कहा जाए तो क्या कहेंगे कि एक पिता का अपनी पुत्री के तरफ ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है, या ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उसके लिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, इस एटम की इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स कितनी एफिनिटी है, जिसकी जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समा लेगा, है ना, उतने ही आसानी से ये इलेक्ट्रॉन इसे अपने अंदर, सॉरी ये एटम इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर समा लेगा, है ना। और जिसका जिसकी ये टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन को समाने की या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो मैं दोनों में से फर्स्ट शुरुआत में ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बताता हूँ इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, और फिर मैं पूरा का पूरा जो डिस्कशन करूँगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बेसिस पे करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके बारे में लिखो। एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज व्हेन an electron, energy released when an electron is gained or added to the outermost orbit, to the outermost orbit of an isolated gaseous, an isolated गैशियस एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जो कि अभी खाली है, मैंने अज्यूम किया कि यहाँ पे खाली है, इलेक्ट्रॉन आया और इसमें आ गया, बाकी इसके अंदर और शेल्स हैं लेकिन इसके सबसे आउटर मोस्ट यही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये थोड़ा सा, ठीक है, क्लियर होगी बात।
तो लिखो गैसेस एटम, ठीक है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बता रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गॉट इट, ठीक है। अच्छा, द एंथैल्पी चेंज, अब इसमें लिखो द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस इज कॉल्ड, द इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और जो मतलब इसी में इस एनर्जी चेंज को, जो एंथैल्पी चेंज हम बोल रहे हैं उसको हम ईजी बोले। तुम बोलोगे सर ये रिलीज तो बोल रहे हो और फिर एनर्जी का जो चेंज आ रहा है उसको भी आप डेल्टा एच मतलब ईजी बोल रहे हो, तो क्या इनके बीच में रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप इतनी है कि ईजीई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईए, या उल्टा कह सकते हो ईए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ईजी, ठीक है, क्लियर होगी बात। इस तरीके से इसमें लिख दो ईजीई इज इक्वल्स टू माइनस ईए, ठीक है, तो डेल्टा एच ईजी हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखो अगर अगर एनर्जी रिलीज हुई है, अगर एनर्जी रिलीज हुई है इसका मतलब क्या हुआ, ई ए विल बी पॉजिटिव, ठीक है, एनर्जी रिलीज होने का मतलब ई ए पॉजिटिव हो गया। अगर ई ए पॉजिटिव हो गया तो फिर डेल्टा एच, अब मैं ई जी ई की जगह डेल्टा एच लिख रहा हूँ, डेल्टा एच ई जी, ठीक है, आई विल रिप्रेजेंट इट विद दिस, तो ये क्या होगा हमेशा नेगेटिव, ये ध्यान रहेगा, ई जी ई विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसको तुम्हें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो एंथैल्पी होती है अगर एक्सोथर्मिक हो, मतलब अगर किसी रिएक्शन से, इस रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, तो हम बाय कन्वेंशन कहते हैं कि जो डेल्टा एच जी है वो नेगेटिव होगा। और अगर इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हम उसको कहते हैं डेल्टा एच जी को बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कर लो, अगर मान लो ए गिव्स, या ए गिव्स बी, कोई प्रोसेस है, ए प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए माइनस, ये जो है अगर इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, और इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और अगर मान लो एनर्जी, अगेन सेम प्रोसेस है लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो हम कहेंगे डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और इसको कहेंगे हम एंडोथर्मिक, इतना ध्यान रख लो अभी के लिए, ठीक है, एंडोथर्मिक है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम ई ए को पॉजिटिव बोल रहे हैं और डेल्टा एच तो नेगेटिव होता ही है, ठीक है, तो यहाँ पे ई जी ही नेगेटिव आएगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई तो हम क्या कहेंगे, ई ए जो है वो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पर डेल्टा एच जी ई जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर हो गई बात। तो दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, साइन हमेशा डिफरेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं इसमें डील ही नहीं करता, है ना, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया मैं उसी में डील कर रहा हूँ, गॉट इट। तो लिखो इसमें, लिखो द साइन ऑफ ई ए एंड ई जी ई, या डेल्टा एच एच जी, डेल्टा एच ई जी इज ऑपोजिट, इज ऑपोजिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज, ऑफ द ईज विद विच, ऑफ द ईज विद विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड, है ना, ईज विद विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एडेड टू एन एटम टू फॉर्म एन अनायन, एंड ऑल्सो द टाइटनेस, ऑल्सो द टाइटनेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, टाइटनेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन टू द एटम, है ना भाई, टाइटनेस कितनी टाइटली बाउंड है, या लिखो एंड ऑल्सो द टाइटनेस विद विच, and also the tightness with which this electron is bound to the atom, and also the tightness with which this electron is bound to the atom, ठीक है। अच्छा, high Ig Eg का मतलब क्या होगा, लिखो high Eg means additional electron, high Eg means
हाई ई जी या हाई डेल्टा, मतलब हाई का मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा नेगेटिव, हाई ई जी का मतलब होता है जितना ज़्यादा नेगेटिव, ठीक है। तो लिखो द मोर, नॉट हाई ई जी मत लिखना, द मोर नेगेटिव, ऐसे लिखो द मोर नेगेटिव डेल्टा एच ई जी, द मोर नेगेटिव डेल्टा एच ई जी, मोर नेगेटिव डेल्टा एच ई जी, द मोर टाइटली द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, द मोर टाइटली द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड वाइस वर्सा। भाई ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा, और ये जितना कम नेगेटिव होगा या जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन जो होगा उतना लूजली बाउंड होगा। तो इसमें एक चीज़ मैं रोक के एक चीज़ बता देता हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जब हमने बात करी तो वो सब में पॉजिटिव था, वो हमेशा ही पॉजिटिव हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहा है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव है तो हम उसको मतलब उसके बारे में कैसे बोलेंगे। तो अगर मैं बोलूँ हाई ई जी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता ना, हाई का मतलब तो पॉजिटिव में हाई हो सकता है ना। तो हम मैं हमेशा ऐसा बोलूँगा द मोर नेगेटिव द ई जी है, या द मोर पॉजिटिव या द लेस पॉजिटिव सॉरी लेस नेगेटिव द ई जी, इस तरीके से मैं बात करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेजर्स, भाई हालांकि मैं उसी चीज़ को दूसरी तरीके से लिखा रहा हूँ बट लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्शन, इज अ मेजर ऑफ अट्रैक्शन और एफिनिटी ऑफ द एटम फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी ऑफ द एटम फॉर द एडेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ लिखो ई जी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, भाई ई जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों के दोनों ही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, जब एनर्जी रिलीज हो रही है, पॉजिटिव कब होगा, मैं ई ए की बात नहीं कर रहा हूँ, ई जी की, ई जी नेगेटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज सॉरी एनर्जी रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो लिख लो ई जी कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, ई जी कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, तो समझ में आ गया ना नेगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा, लिख लेना इसको, ठीक है जी। अच्छा अब इसमें यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट हम पहले भी देख चुके हैं जैसे सेम है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की थी कैसी थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर दूसरी क्या थी, किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल, है ना, सिंपल इनफ, कुछ है ही नहीं, सोचना ही नहीं ज़्यादा, गॉट इट। अच्छा इसमें अगर तुम देखो हैलोजन की, हैलोजन्स के क्या है, हैलोजन्स का अगर तुम बात करो, हैलोजन्स में एफ है मान लो, या कोई सा भी हैलोजन है एक्स मान लो, तो इसमें इन जनरल क्या होती है, NS2 NP5 होती है, तो मतलब इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं प्लस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये NS2 NP6 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑर्बिटल कंप्लीट या सबशेल कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब ये बहुत स्टेबल है, तो जब ये कम स्टेबल है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी हमेशा यहाँ पहुँचने की होगी, अगर इसकी टेंडेंसी यहाँ पहुँचने की ज़्यादा है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है उसका ई जी उतना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो लिखो फॉर हैलोजन्स इट इज़ वेरी ईजी, क्यों होगा ईजी समझ में आ गया ना, इसको लिख लेना अपने शब्दों में, फॉर हैलोजन्स इट इज़ ईजी टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ ईजी टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन एंड द ईजियर इट इज़ for an atom to absorb electron and the easier it is for the atom to absorb electron the more negative its eg is और अगर मान लो मैं किसी भी पीरियड में सबसे पॉजिटिव या सबसे कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं किसकी होगी हैलोजन सॉरी इनर्ट गैसेस की तो लिखो नोबल गैसेस हैव ह्यूज वैल्यूज ह्यूज का मतलब ऐसे मत लिखो ह्यूज नहीं इसको लिखो लीस्ट नेगेटिव हैलोजन्स हैव लीस्ट नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ई जी हैलोजन्स हैव लीस्ट नेगेटिव और मोस्ट पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ई जी तुम अगर ध्यान से देखो तो नोबल गैसेस को अगर मैं नोबल गैसेस एन जी करके लिखूं तो यहाँ पे क्या होता है इनका NS2 NP6 अगर तुम इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या हो जाएगा NS2
एन पी सिक्स और एन प्लस वन एस वन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा, ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब महाभारत है। तो भैया ये वाला जो है ये कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इनफैक्ट हो सकता है हमें जो एनर्जी ना देनी पड़े, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ऐड करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से लीस्ट नेगेटिव या मोस्ट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। ये तो कुछ कुछ ट्रेंड्स हो गए, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक और चीज़ लिख लो, हायर ई जी ईज आर ऑल्सो पॉसिबल, हायर ई जी ईज आर ऑल्सो पॉसिबल, है ना। हाँ चलो ठीक है, पहले सक्सेसिव के लिए कर लेते हैं। सक्सेसिव में क्या हो गया, हायर ई जी ईज लिख लो, सक्सेसिव पहले हेडिंग लिखना, सक्सेसिव ई जी ई, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हायर ई जी, हायर ई जी का मतलब क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से, ऑल्सो पॉसिबल है ना, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी सक्सेसिव ई जी करके हेडिंग डालो। तो भाई इस वाले में क्या हुआ था, इस वाले में तो ये प्रोसेस हो रहा था, ए प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ये, अगर मान लो मैं ऐसे ऐसे करूँ, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, अगर मैं उसे लिखूँ कि दैट दिस एनर्जी इज डेल्टा ई जी ई वन, या डेल्टा एच ई जी, ये क्या हो जाएगी फिर टू हो जाएगी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, सॉरी आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे था, वैसे यहाँ पे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है ना, सक्सेसिव आ रहा है जैसे हमने वहाँ पे देखा था, ठीक है जी। अच्छा अब इन जनरल क्या होता है कि ये तो ये वाली जो होती है फर्स्ट वाली, ये मोस्टली नेगेटिव होगी, सम आर पॉजिटिव, सम आर पॉजिटिव, लेकिन ये क्या हो गए, ऑलवेज ऑल आर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि तुम जब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डाल चुके हो, नेगेटिव चार्ज इसमें ऑलरेडी बढ़ चुका है, अब तुम एक और इलेक्ट्रॉन जाओ डालोगे तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा ना, तो अगर रिपल्शन होगा तो हमें उसको ज़बरदस्ती वहाँ रखना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती रखने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाता है, क्लियर होगी बात। तो लिख लो इसमें, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड, सम एलिमेंट्स हैव नेगेटिव ई जी, सम एलिमेंट्स हैव नेगेटिव डेल्टा ई एच ई जी, या ई जी जो लिखना तुम लिख लो, बट एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेज, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेज विच हैव डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव, तो नोबल गैसेज के लिए तो पॉजिटिव होगा ही होगा, गॉट इट, ठीक है। बट वेन, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बट वेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, बट वेन सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड, ई जी विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल, ई जी विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल, ठीक है। तो सक्सेसिव ई जी क्या होंगी, हमेशा इस तरीके से वेरी करेंगी। अगर मान लो तुम थर्ड भी लिख लो, चाहे भाई थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वैसे तो बहुत ही मुश्किल होगा, बट मान लो अगर तुम ऐड, मतलब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन अगर मैं कहता हूँ ऐड भी कर दो, ठीक है, ए टू माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स ए थ्री माइनस, तो क्या हो गया डेल्टा एच ई जी थ्री, ये क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और लिख लो भाई, अगर मान लो मैं फर्स्ट इन दोनों का एडिशन करूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये भी एक काइंड ऑफ थंब रूल हो गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला सबसे पहले वाला नेगेटिव मोस्टली होगा, कुछ के लिए पॉजिटिव होगा, सेकंड या थर्ड दोनों के दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, पहली बात। और अगर मैं पहला और दूसरा को ऐड करता हूँ तो इनका सम भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नाउ ई जी नेगेटिव क्यों होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वो नेगेटिव काइंड ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकता है, कैसे, जैसे मान लो तुम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो ऑक्सीजन का क्या होता है एन एस, अरे नहीं ऑक्सीजन नहीं सॉरी कार्बन की बात करते हैं, नहीं कार्बन नहीं, चलो लेट्स से ठीक है कार्बन की बात करते हैं, कार्बन क्या है एन एस टू एन पी टू है,
यहाँ पे ये क्या है, सी माइनस में चेंज हो जाएगा, सी माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या आ गया, NS2 या NS2 क्यों बोल रहा हूँ यार मैं इसको, 2s2 है ना, ये तो 2s2 है, ये 2p2 है, यहाँ पे 2s2 है, ये 2p3 है, तो 2s2 2p2 एंड 2s2 2p3। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है ना। तो अगर अनस्टेबल से ज़्यादा स्टेबल पे आ रहा है, अगर अनस्टेबल से ज़्यादा स्टेबल पे आ रहा है तो क्या होगा, आराम से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। कल बताया था ना मैंने कि कभी भी कोई भी सिस्टम हो, अगर हम, या पहले बताया होगा, अगर कल नहीं बताया तुमको, पहले बताया होगा कि अगर कोई भी सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दो तो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, और वाइस वर्सा भी अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम कर दो तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ, वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टेबल हो गया है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब क्या है, रिलीज़ कर दी होगी उसने। तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। ई जी वन इज नेगेटिव बिकॉज एडिशन इज, बिकॉज इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज रिलीज, बट दोबारा लिखो इसको, ई जी वन इज नेगेटिव बिकॉज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजेस एनर्जी, या एनर्जी इज रिलीज कॉमा, बट ई जी टू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ई जी ई टू इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज नेगेटिव चार्जेस, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। तो पॉलीवैलेंट एनायन है तो लिख लो इसमें, इन दी फॉर्मेशन, लास्ट पॉइंट है ये जो है, इन दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट, मतलब ये तो फर्स्ट नेगेटिव है, मतलब मोनो वैलेंट आयन है, ये डाईवैलेंट है। तो दो या डाई वैलेंट एलिमेंट बनने के लिए हमेशा एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो लिखो, इन दी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट एनायन एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल लिख लो इसमें, एन से एन थ्री माइनस, एस से एस टू माइनस, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, हमेशा डेल्टा एच ई जी इस पूरे प्रोसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, इसके लिए भी डेल्टा एच ई जी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, ठीक है, डेल्टा ई जी ओ ओ माइनस, ठीक है, चलो मैं इसी के लिए देख लेते हैं। ओ से ओ माइनस जब चेंज हो रहा है, और ओ माइनस से जब ओ टू माइनस में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए तो माइनस 140 इसकी ई जी है, और जब यहाँ से यहाँ हो रहा था, ये 740 ई जी होगा। तो ये बोल रहा है पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए बताओ, तो सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो, उनकी एनर्जीज भी ऐड कर दो, 740 माइनस 140 कितना हो गया, 600। तो 600 किलो जूल इससे इसको, मतलब फाइनल क्या आएगा, ये फाइनल यही तो आएगा भाई, ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ओ टू माइनस, तो भाई यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आएगा। इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी आएगी वो आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखो। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम इसके एक्सेप्शंस देखेंगे, इसके ट्रेंड्स देखेंगे, और फिर उसके बाद हम मूव करेंगे। होपफुली अगले दो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।